धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन विधि विधान के साथ उनका पूजन किया जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर उनकी कृपा होती है उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। कई बार जीवन से संकट खत्म ही नहीं होते और बिना वजह से खर्चों से कर्ज का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करने के साथ ही अगर कुछ उपाय अपनाएं तो व्यक्ति को अवश्य लाभ मिलेगा। तो चलिए आपको कुछ ऐसे ही उपाय के बारे में बताते हैं। मंगलवार के उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ अवश्य करें। यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर हनुमान के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा अगर आप हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे तो और भी अधिक फलदायी होगा। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन में आ रहे संकटों को दूर करते हैं। कई बार बहुत मेहनत के बाद भी पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है और चाह कर भी घर में पैसा नहीं रुकता, जिसकी वजह से कई बार व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ता है। अगर आप भी कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करते समय ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अलावा मंगलवार को व्रत रखने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। नौकरी के क्षेत्र में समस्याओं से घिरे हुए हैं और कार्य क्षेत्र में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो परेशान ना हो, बल्कि मंगलवार के दिन हनुमान के मंदिर जाएं और उन्हें चावल व दही का भोग लगाएं। इसके बाद उस भोग को स्वयं ग्रहण करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन ध्यान रहे, कुछ भी करने से पहले आप अपने पंडित जी या ज्योतिष आचार्य से सलाह जरूर लें।